हेलो दोस्तों, मैं पायल सिन्हा स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू पालक की सूखी सब्जी, जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन अपने अपने बनाने के सभी के तरीके अलग अलग हैं। पर मैं इसे कैसे बनाती हूँ आज मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसे गर्म किया, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला और थोड़ा सा मेथी दाना लगभग 1/2 टीस्पून और उसमें 2 सूखी लाल मिर्च, उसे चटकाएंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे और इसे भी हम 30 सेकंड तक भूनेंगे, जब तक इसका कच्चापन न निकल जाए। भूनने के बाद हम आंच को धीमी ही रखेंगे और इसमें हम बेसिक मसाला देंगे, जैसे धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर और हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा अंदाज से ही दे तो ज़्यादा अच्छा हो। और इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए आलू को काट कर इस तरह से भूनेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूने। फिर इसमें ऐड करेंगे पालक, जो लगभग 300 ग्राम है। इसे हमने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया, फिर रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ इसे थोड़ा उलट पुलट कर चलाते रहेंगे। ये पानी इतना छोड़ देगा कि इसी में हमारा आलू पक जाएगा। तो इसे हम 1/2 ढक्कन लगाकर इस तरह से 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद देखिए ये काफ़ी पानी छोड़ चुका है, तो इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे खुला ही पकाएंगे पानी सूखने तक। ये बहुत ही झटपट से बनता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। कम मसालों में, कम मेहनत में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। बस इसमें जो भी समय लगता है पालक काटने और चुनने में ही लगता है। तो ये लीजिए, हमारी आलू पालक की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी। देखा ना आपने कितनी जल्दी बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए आलू भी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो इसे प्लेन चावल या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपके घर में जो भी नहीं खाते होंगे वो भी खाने लगेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी।